नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति रिव्यूज। दोस्तों, बहुत लंबे टाइम के बाद आज एक वीडियो बनाने का मौका मिला है। तो आप सबको पता है, इस चैनल पे बात होती है होम रेमेडीज के बारे में, यानी कि कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जो आपकी हेल्थ को, आपकी स्किन को, आपके हेयर्स को बेनिफिट देते हैं। और घर पे रखी आसान सी और बहुत कम प्राइस वाली चीजें ही आपकी हेल्थ को बेनिफिट दे सकती हैं। उसके ऊपर मैं हमेशा वीडियो लेके आती हूँ। आज भी एक ऐसा ही नुस्खा लेके आई हूँ, और वो है पिगमेंटेशन के बारे में, यानी कि झाइयां, पिगमेंटेशन, डार्क पैचेस। तो दोस्तों, आजकल ये प्रॉब्लम बहुत हो रही है, कम एज में भी हो रही है, और आफ्टर 30 हमारे हार्मोन चेंजेस की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है, आफ्टर डिलीवरी हो जाती है। और 30 ईयर की एज के बाद तो मोस्ट प्रोबेबली लेडीज में ये दिक्कत होती है, जेंट्स में भी होती है, लेकिन लेडीज इस चीज पे ज्यादा ध्यान देती है। तो इसके लिए हम एक घरेलू नुस्खा, यानी कि घर पे किचन में रखी दो चीजों को इस्तेमाल करके अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं और पिगमेंटेशन से छुटकारा पा सकते हैं। मार्केट में इसके लिए बहुत सारी क्रीम अवेलेबल्स हैं जो आपकी इस समस्या से आपको छुटकारा दिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर दिक्कत क्या होती है कि उसमें काफ़ी केमिकल्स होते हैं और हम लोगों की स्किन भी बहुत सेंसिटिव होती है। तो एक बार तो वो उसका अच्छा इफेक्ट दिखता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद केमिकल की वजह से हमारी स्किन सेल्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं। तो इस डैमेज से और केमिकल से बचने के लिए ही आयुर्वेद और घरेलू नुस्खे अपनाए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इसमें दो इंग्रेडिएंट्स हम लेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि हम घरेलू नुस्खों को मैं ज्यादा रिकमेंड क्यों करती हूँ। एक तो हम लोग, काफी लोग ऐसे होते हैं कि प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन एक्सपेंसिव चीजें हम नहीं खरीद पाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा है कि मैं पहले, अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी भी अगर चीज़ एक्सपेंसिव होती थी तो मैं अपनी प्रॉब्लम को हाइड कर लेती थी कि कोई बात नहीं यार, मैं इतनी एक्सपेंसिव क्रीम या कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पे नहीं लगा सकती हूँ, तो मैं उसको लेट इट भी कर देती थी। तो ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं और लेडीज भी हैं जो सोचती कि नहीं, मैं अपने ऊपर इतना खर्चा नहीं कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये चैनल अपना बनाया कि कुछ जो जिनको भी प्रॉब्लम है एक्सपेंसिव चीजों को लेके, वो ये आसान से तरीके अपना सके। सेकंड है कि बहुत लोगों को सेंसिटिव स्किन होने की वजह से केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं और वो अपनी स्किन को खराब कर लेते हैं महंगे प्रोडक्ट लगाने के बावजूद भी। तो इसलिए है ये होम रेमेडीज और घरेलू नुस्खे मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पिगमेंटेशन की। उसके लिए दो इंग्रेडिएंट्स हम लेंगे। मसूर की दाल हर घर में अवेलेबल है, और नहीं भी हो तो दाल आसानी से मिल जाती है। आप एक कटोरी मसूर की दाल लें। मसूर की दाल जो होती है उसमें विटामिन बी होती है, विटामिन बी होती है जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाती है। तो आप लेंगे मसूर की दाल एक कटोरी और कच्चा दूध। कच्चा दूध के जो गुण है वो क्लिंजिंग, मॉइस्चराइजिंग और बहुत सारी ऐसी चीजों का एक ही इलाज है, वो है कच्चा दूध। यानी कच्चा दूध आप लेंगे और मसूर की दाल। अब आपको करना क्या है, मसूर की दाल की एक कटोरी आप ग्राइंडर में पीस लीजिए और उसमें आपको कच्चा दूध मिला के एक पेस्ट तैयार करना है, लाइक मास्क तैयार करना है। और उस मास्क को आपको अपने फेस पे अपर डायरेक्शन में, इसका टेक्निकल मेथड होता है, आप ऐसे ही अपने फेस पे कोई चीज लगाइए मत, जैसे आपका फेस का स्ट्रक्चर होता है उसी अकॉर्डिंग आपको अपने फेस पे क्रीम, लोशन, मॉइस्चराइजर या फेस पैक यूज में लेना है। तो आपको वो फेस पैक आपके स्किन के स्ट्रक्चर के हिसाब से यूज लेना है, और उसको हाफ एन आवर के लिए आपको छोड़ देना है। आधे घंटे के छोड़ने के बाद जब वो आपकी स्किन टाइट होने लगेगी और वो सूखने लगेगी, आपको हल्के हाथों से 2 मिनट तक रबिंग करनी है। रबिंग हम किस लिए करते हैं कि हमारी जो डेड स्किन सेल्स है या डेड स्किन है वो निकल जाए। डेड स्किन निकलेगी तो नीचे की स्किन उभर के आएगी और आपका जो पिगमेंटेशन है या जो झाइयां या दाग पड़ गए हैं वो धीरे 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 रिमूव होने लगेंगे। इस मास्क को आप वीक में 2 बार लगाइए, आप कंटिन्यू कीजिए इसको। ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि दाल और दूध हर घर में अवेलेबल होता है, तो आप इंस्टेंट तैयार करके
ये लगा सकती हैं। कई लेडीज को दिक्कत होती है कि बेबी छोटा है, हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। मुझे भी ये प्रॉब्लम है, मेरा भी बच्चा छोटा है, मैं भी अपनी स्किन रूटीन नहीं रख पाती हूँ। तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट है जो स्किन केयर रूटीन नहीं रख पाते हैं, उनको ये तरीका आजमाना है। आप दाल को एक बार पीस के रख लीजिए, आपको बार बार पीसने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, उसमें से 2 चम्मच लेनी है, कच्चा दूध मिलाना है और उस मास्क को अपने फेस पे लगाना है। वीक में 2 बार इस मास्क को लगा के देखिए, रिजल्ट्स आपको खुद ब खुद नजर आएंगे और उन रिजल्ट्स को कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों प्लीज शेयर कीजिए अपने लव वंस को, अपने दोस्तों को इस वीडियो को, कि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। तो कम रेट में और घर पे ही हमने पिगमेंटेशन, झाइयों, डार्क पैचेस को हटाने का एक मास्क तैयार कर लिया है और आपको ये मास्क तैयार करके जरूर आजमाना है अपने फेस पे और मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। दोस्तों थैंक यू सो मच, हेल्दी रहिए, खुश रहिए।